हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले आज का जो क्विट्स है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। देखिए, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। ठीक है, अगर आप किस्मत के भरोसे हो कि किस्मत जब मेरी चमकेगी, मेरी कुंडली में तो राजयोग है, ये मतलब होते हैं ना कि बहुत लोगों की किस्मत में, बहुत लोगों की कुंडली पे राजयोग रहते हैं, तो वो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। एक चीज़ याद रखना, मानते हो किस्मत चीज़ होती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो किस्मत भी फल नहीं देगी। ठीक है, तो यही है बोल रहा है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। मेहनत ही आपको आगे लेके जाता है, किस्मत वगैरह 5% या 10% होती है, बाकी तो मेहनत होती है 90%। ठीक है, तो मेहनत करोगे किस्मत भी आपका साथ देगा। आइए आज मैं आपको क्या बताऊंगी, देखिए आज मैं आपके लिए फिर से वोकैब लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको जो वोकैबुलरी पूछा जाता है, कंपलसरी है, ये पूछा ही जाता है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। रटने की ज़रूरत नहीं है, 50 out of 50 अगर आपको लाना है या फिर इंग्लिश में जितना भी मार्क्स हैं अगर आपको लाना है तो आपको वोकैब तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वोकैब है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही वोकैब मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए तो पहला हम लोग शुरुआत करेंगे एडम से, यानी कि मुहावरे से। ठीक है, ये पूछते हैं, काफ़ी बार पूछते हैं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफआईडी कैरी, यहाँ पे चार ऑप्शन है। एफआईडी कैरी का मतलब होता है यहाँ पे कौन सा होगा, इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे चुनना है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे जाके फैड कैरी का लिख कर इक्वल टू देकर जो आपका सही ऑप्शन रहेगा उसे आप जरूर लिख दें। ठीक है, आइए अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नॉट एवली डिफरेंट, फैड कैरी का मतलब होता है नॉट एवली डिफरेंट। इसका क्यों ये होता है, यानी कि काफ़ी अलग। ठीक है, फैड कैरी का मतलब ये होता है इक्वल टू नॉट एवली डिफरेंट, यानी कि काफ़ी अलग। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। अगला जो है अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, चार ऑप्शन है। डू समथिंग फुल्ली या कम्प्लीटली, टू वॉलेंटली, और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, टास्क रिक्वायरिंग। ठीक है, तो आइए अगला इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होगा अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि हार्ड है यानी कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, क्रैक यानी कि मैंने कोई भी चीज़ को बहुत मुश्किल लगता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा कसा हुआ चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम कर रही है, नहीं खुल रहा नहीं खुल रहा, तो उसको एक शब्द में आप कह सकते हो कि हार्ड नट टू क्रैक, या फिर आप अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी कह सकते हो। ठीक है, क्या है यहाँ पर इसका, देखिए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यानी कि गंभीर समस्या। ठीक है, गंभीर समस्या। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। आज मैं टोटल 10 लेकर आई हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है ना, इसलिए मैं छोटे छोटे सेशन में लेकर आई हूँ। अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज वेरी फुलिश और रिडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन, या फिर है अ स्मॉल पुअर कंट्री विथ अ वीक और डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट, या फिर है स्ट्रेंज पर्सन, या फिर कंप्यूशंस। इसका क्या आंसर होगा करेक्ट, आप अगर आपको पता तो जल्दी बता दें, नहीं पता तो मैं तो हूँ आपको बताने के लिए, बता देती हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड अ वेरी फुलिस एंड रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मजाक का पात्र। अगर आप किसी को मजाक उड़ाते हो, जो बेवकूफ़ है उसको बार बार बेवकूफ़ी बोलना या फिर किसी का मजाक उड़ाना, उसका मतलब यही होता है कि अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, इसका ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं, अ लाइव वायर। तो इसका ऑप्शंस हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप,
एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू क्रिएट डिफिकल्टली या फिर टू टू डू स्टेज थ्रूटली और कम्प्लीटली या फिर एनर्जेटिक। तो लाइव वायर, वायर से समझ जाओ एनर्जी, एनर्जेटिक, ठीक है। तो लाइव वायर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, एनर्जेटिक, ठीक है। लाइव वायर का मतलब हो जाएगा एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए, छोटा हो गया, देखो, अ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड, हम लोग भगवान का आदमी किसको बोलते हैं, दिमाग लगाओ, हम लोग भगवान का आदमी किसको बोलते हैं, पुजारी को बोलते हैं ना। हम लोग अगर प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी रहती है, तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, पुजारी को बोलते हैं कि मेरे नाम का पूजा कर दो, यानी मेरी जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुँचा दो, ठीक है। भगवान पंडित जो होता है, प्रिस्ट जो होते हैं, वो एक माध्यम होता है भगवान तक पहुँचने का, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना, मेरा पर्सनली मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है, शांति से बैठो, भगवान को याद करो, मन से सही रहो, भगवान आपको खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अ मैन ऑफ गॉड, अगर एडम्स के हिसाब से चले, मुहावरे के हिसाब से चले, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ मेल प्रिस्ट, ठीक है। देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मेल प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, ये देखो पुजारी, ठीक है। आइए, ये तो मेरा एडम्स कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ वन वर्ड सब्सिट्यूशन, वन वर्ड सब्सिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्सिट्यूशन का जो पहला है, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शंस आपके पास है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनोक्सिस, यानी कि गुमनाम, ठीक है, यानी कि गुमनाम। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, मतलब एक बुक है और एक कोई भी काम किया हुआ चीज़ है जिसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, कौन लिखा, कौन है, नहीं है, अता पता नहीं है, तो हम इसको गुमनाम भी बोल सकते हैं उसको, तो एनोसिस भी हम बोल सकते हैं गुमनाम, ओके। आइए अगला देख लेते हैं, चीज़ों को बस समझने की ज़रूरत है, चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है इंग्लिश, कुछ हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता यार, ठीक है, ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ नोज एंड इट्स डिजीज, क्या होगा इसका बताओ जल्दी, बहुत ईजी है, जल्दी से बता दो अगर आंसर पता है तो, नहीं पता तो चलिए मैं तो बता ही दूँगी, ठीक है। देखो, इसका आंसर हो जाएगा अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ नोज एंड इट्स डिजीज, यानी कि फार्मेनोलॉजी, ठीक है, यानी कि नाक का अध्ययन करने वाला, यानी कि जो नाक का जो अध्ययन करता है ना, उसको हम लोग फार्मेनोलॉजी कहते हैं, ओके। ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ नोज एंड इट डिजीज, यानी कि नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी चीज़ है उसको हम लोग फार्मेनोलॉजी कहते हैं, ओके। आइए अगला देख लेते हैं, अगला है अ बिल्डिंग एक्सेट्रा मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन और टू कॉमेडरेट ई अ हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, इसका मैं समझाती हूँ भी आपको, देखो बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे तरह से समझा देंगे आपको, देखो एक सेकेंड थोड़ा सा बराबर देती हूँ यहाँ से, देखो, अ बिल्डिंग एक्सेट्रा मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन, अगर कोई आप घर बनाते हो, ठीक है, किसी का, हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरा घर ऐसा हो, ऐसा सजाओ, ऐसा सजाओ, तो उसके लिए वो जन्नत होती है, उसके लिए वो दुनिया होती है वो घर, ठीक है, तो उसके लिए वो याद पर मतलब उसे जब घर देखने जाते हैं या फिर जब घर बनाते हैं तो खुद डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक मेमोरी पर्सन है, ये यादगार चीज़ है, और किसी के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट भी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट की, यस, इस मोमेंट को कैप्चर करना है, ये मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट उसको बनानी है, इवेंट, ठीक है।
समझ में आएगा, बहुत ईजी है दोस्तों, समझिएगा तो सब आसान है, नहीं समझिएगा तो हर चीज़ डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बस समझने की देर है, समझ जाऊँ, ठीक है। और हिस्टोरिकल मोमेंट, आइए अगला देख लेते हैं। अगला है अ बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप, अ बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप, इसको क्या बोलोगे, ठीक है। आइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखो, मॉन्स्ट्री, मॉन्स्ट्री का मतलब होता है मठ, ठीक है। मठ जो होता है ना, अ बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप, जैसे अगर किसी कोई मठ में जाओगे, कोई मंदिर में जाओगे, या फिर ज़्यादातर जो मठ होता है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद का अगर आपने मठ देखा होगा, मठ जो होता है उनका बिल्डिंग, जो उनका जो घर होता है ना, घर के ऊपर में ना एक सर्कल शेप होता है, ठीक है, सर्कल शेप होता है। और मंदिर अगर हम लोग देखते हैं तो मंदिर में कैसा होता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मंदिर में ऐसा होता है ज़्यादातर, ठीक है। मस्जिद में अगर आप देखोगे तो उनका चार पिलर ऐसा टाइप का होता है, ऐसे वगैरह कुछ टाइप का होता है। लेकिन अगर मठ देखोगे तो उसके पीछे ऐसा सर्कल शेप होता है। तो अगर आपको ये कहीं और बिल्डिंग ऑफ सर्कल शेप अगर आपको दिख गया तो आपको समझ आएगा मॉन्स्ट्री यानी कि मठ, जहाँ पे लोग ध्यान वगैरह करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे एक बिल्डिंग का या फिर एक पब्लिक का जो रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्चीव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आर्चीव बोलते हैं, यानी कि लखा का या फिर ऐतिहासिक अभिलेख, ठीक है, जहाँ पे लोगों का घर वगैरह का जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहता है गवर्नमेंट के अंदर, उसको हम लोग आर्चीव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगा आपका सिनोनिम्स एटोनिम्स फ्रेजल वर्ब्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। ये वीडियो नेक्स्ट पे आएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट पे लाया, तो दो करके लेकर मैं आई, उसके बाद फिर मैं दो दो करके लेकर आऊँगी, एक में आएगा सिनोनिम्स एटोनिम्स, फिर एक में आएगा फ्रेजल वर्ब एंड मिसलेनियस, ठीक है। आइए अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ढंग से पढ़ाई करना, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना,